मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता 5-7 दिनों से मेरे दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों, ख़ारिब के मुझे कॉल मौसूल हो रहे हैं, जिसके अंदर हर कोई इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि 16 तारीख को श्रीरंगपट्टन के अंदर कुछ लोग मस्जिद को लेकर, मस्जिद आला के मसले को लेकर मस्जिद आला के पास पहुंच रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि 16 तारीख को चंद शरपसंदों ने ये इरादा किया है कि मस्जिद को नौज़ बिल्ला शहीद कर देंगे। और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो मस्जिद के अंदर आकर 16 तारीख को कुछ अपना हवन वगैरह करने वाले हैं, कुछ पूजा करने वाले हैं। इस किस्म की सैकड़ों बातें मेरे दोस्तों अहबाब की जानिब से और अतराफ व अकनाफ के खरियाजात से, ज़िलों से मुझे आ रही हैं। तो लिहाजा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम दोस्तों के और साथियों के लिए है जिन्होंने मुझसे सवाल किए हैं, और अवामुन नास के लिए है, और खुसूसी तौर पर सेक्युलर माइंड रखने वालों के लिए और मुसलमानों के लिए है। इस किस्म की कोई चीज़ जो है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, श्रीरंगपट्टन में 16 तारीख को पेश आने वाली नहीं है। बस चंद जगहों पर चंद लोगों ने इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आम कर दिया है। लेकिन अगर हम देखा जाए, या हमारे बुज़ुर्गों को या हमारे बड़ों को हम सुने, उनसे मालूम करें, तो इस किस्म का जो वो रैली निकालते हैं और श्री रंगनाथा टेंपल जो वहाँ पर वाक़ है, वहाँ पर जाते हैं, जाकर वो पूजा करते हैं, रैली वगैरह की जो कुछ भी उनकी शक्ल होती है वो करके वापस जो है लौट जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2-4 साल से, या तकरीबन 6 साल से, अक्सर उबैस्तर ये होता आया है कि जो लोग अपने अकीदे से अकीदतमंदाना तौर पर रंगनाथा देवल को जाते हैं, वो जाकर बाकायदा अपनी जो है पूजा पाठ करके वापस चले जाते हैं। लेकिन चर शरपसंद उस कौम में भी ऐसे हैं जो दूसरी इबादत गाहों के पास, मसलन हमारी मसाजिद के पास आकर शोर व गुल करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। जब ये बात शहर के अंदर, मैसूर के अंदर, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैलती गई कि 16 तारीख को कुछ ज़्यादा होने वाला है, कुछ अजीब सा होने वाला है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मंड्या के ज़िम्मेदार अहबाब, श्रीरंगपट्टन के ज़िम्मेदार अहबाब, मैसूर के ज़िम्मेदार अहबाबों ने, जिनके पास फैक्ट्स और सच्चाई इसकी मालूम थी, उन्होंने प्रेस मीट्स भी दिए, वीडियो भी दिए, तहरीरी भी लिखा, लिखकर अवाम को ये बताया कि बिल्कुल इस किस्म की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हमारे MLA साहब, जो जनाब तनवीर सेठ साहब हैं, इस वक्त शहर मैसूर के अंदर मौजूद नहीं है। बेलगाम के अंदर इस वक्त असम्बली चल रही है, आप इस वक्त वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जाने से पहले भी और असम्बली पहुँचने के बाद भी बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमात जो अल्लाह ताला आपसे ले रहा है उसको निभाते आ रहे हैं। और बाकायदा आपने पुलिस से, प्रशासन से, DC साहब से, और मंड्या डिस्ट्रिक्ट के SP से, IG साहब से, तमाम महकमात से, और यहाँ तक के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, सबको जो है इस बात से आगाह कर दिया है कि इस एक किस्म का जो है इंतशार कौम के अंदर इस वक्त फैला हुआ है कि 16 तारीख को कुछ होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिपार्टमेंट्स ने, महकमात ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, DC साहब ने, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, सब ने इस बात का तयक्कुन अलहाज तनवीर सेठ साहब के पास दिया है, और उनसे फ़ोन में बात करके कही है कि हम 16 तारीख को किसी किस्म का भी शर, किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ जो है हम पेश आने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि कई फीट तक जो है मस्जिद आला को बैरिगेडिंग भी की हुई है, और वहाँ पर बाकायदा पुलिस को तानियात के लिए डाल दिया गया है। पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हिफाजत कर रही है,
और एक बात दरमियान में ये आई कि अब तक सीसीटीवी कैमरेज वहाँ पर क्यों फिट नहीं हुए थे। तो आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक मेख बराबर भी अगर काम करना है तो चूंकि वो एंटिक चीज़ होती है, इसके लिए जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसकी इजाज़त बड़ी ही मुश्किल से देती है। जो लोग इससे वाबिस्ता हैं वो जान सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ एक डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से कि सीसीटीवी कैमरास के लिए मस्जिद जामिया जुमा मस्जिद के लिए जो है डालने के लिए 3 तारीख, 1 तारीख 3वां महीना 2021 को ये लाइन है, देख सकते हैं कि बाकायदा जो है अप्लीकेशन दे चुके हैं 3वें महीने में, लेकिन हमें जाकर जो है अब यहाँ पर तारीख दिख रही है 13 तारीख 12वां महीना 2021 को जो है उन्होंने हमें इजाज़त भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर अब इंस्टॉल भी हो चुके हैं। तो सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हम कर सकते हैं वो हम किए हैं, हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब ने अपनी जानिब से की है अल्हम्दुलिल्लाह, और तनवीर सेठ साहब की टीम ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो जो जिम्मेदारी वहाँ पर बैठकर तनवीर सेठ साहब ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इसके अंदर हमारे श्रीरंगपट्टन के अंदर हमारे वक्फ स्टेट के साथी हो या मंडिया के जिम्मेदारान हो या मैसूर के जिम्मेदारान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम ने भी खुलकर बड़े अच्छे तौर से एक प्रेस मीट भी दी है और अवाम को आगाह किया है कि 16 तारीख को कुछ होने वाला नहीं है, मुंतशिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अपनी जानिब से भी और तनवीर सेठ साहब के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते से भी मैं अवाम से यह अपील करना चाहता हूँ कि बराए करम झूठी अफवाहों पर कान ना धरें और कोई भी जो 16 तारीख बताई जा रही है उस तारीख को श्रीरंगपट्टन पहुँच करके क्या होगा, चलो देखते हैं, चलो पहुँचते हैं, इस किस्म की कोई भी जो है हरकत ना करे जिसकी वजह से हमारे कौम का या हमारे कौम के नौजवानों का नुकसान हो। दोस्तों हम बारहा उलमा से सुनते आ रहे हैं कि एक ईमान वाले की जान की, एक ईमान वाले की कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सातों ज़मीन और सातों आसमान से बढ़कर होती है क्योंकि उसके अंदर ईमान होता है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि हमारी एक छोटी सी बात या कोई अफवाह के श्रीरंगपट्टन में ये हो गया है वो हो गया है, इस किस्म से व्हाट्सअप की इस वायरल वबा से हम सुनकर लोगों में पहुँचाएँ और खुदा ना खास्ता कोई हमारा नौजवान जाकर वहाँ पर उसको कुछ जानी नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा जवाब हम अल्लाह को मरकर देना पड़ेगा। इसके लिए मैं दोस्तों से अपील करता हूँ जब तक सच्चाई मालूम ना हो, आप मालूम करें अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं अब तक हम हर बार हमारी सच हकीकत पहुँचाते रहेंगे, झूठ और सच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें बार बार कॉल कीजिए, हम बार बार आपको समझाएंगे, बार बार हम आपको हकीकत से आगाह करते रहेंगे। इसी तरह हमारे बहुत सारे शहर के ज़िम्मेदार हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि हालात क्या हैं, किस तरह हैं, क्या हो रहे हैं, मालूम कर जो है आप इत्मीनान के साथ रहें, झूठी वबाओं पर झूठे चीज़ों के ऊपर कान ना धरें, इत्मीनान से रहें। इंशाल्लाह सारे इंतज़ाम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, किसी किस्म का भी आने वाली तारीखों के अंदर किसी किस्म का कोई वबाल या किसी किस्म की कोई जो है फ़जा मुकद्दर होने ना दें, यह हमारे हाथों में है। उसके आगे जो है सारे इंतज़ाम करने के बाद, सारी चीज़ों के ये करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह और उम्मीद भी करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बेहतरीन से बेहतरीन इसके नताइज निकालेंगे और अमन से जो है इन चीज़ों को पार कराएंगे। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।